फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके क्या प्रोविजन है, और स्टॉक इंफॉर्मेशन भी आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं। तो ये सब आप कैसे करेंगे पोर्टल में, और क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में फटाफट से जीएसटी साइट पे एफएक्यूज हैं उसको देख लेते हैं कि अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 CR को क्रॉस कर जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। अगर आपका 1.5 CR तक ही है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। कुछ नोटिफाई करे हैं गुड्स जिस केस में अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो उन गुड्स को, तो आप एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। वैसे अगर आप इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई करते हैं तब भी नहीं है। सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप कर रहे हैं, कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो लाइबल है सेक्शन 52 के तहत TCS कलेक्ट करने के लिए, तब भी आप नहीं ऑप्ट कर सकते। मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स जैसे मैंने आपको बताया है, कैजुअल डीलर है तब भी आप नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स को भी अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना। पर्सन रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो भी इनएलिजिबल है। एंड जो पर्सन एज TDS डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर रजिस्टर्ड है उनको भी अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करना। तो ये जितनी भी मैंने आपको ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सब लोग एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने में। अगर आप इसके अलावा हो तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कौन ऑप्ट कर सकता है, सेकंड है आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपको जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करना है, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन के अंडर आपको एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो आप फाइल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी टैक्स अथॉरिटी इसको अप्रूवल बेसिस पे नहीं रखा है, ये ऑटोमेटिक है। बट हाँ, कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी रिजेक्ट हो सकती है अगर आप वो कंडीशन को नहीं कंप्लाई करते हैं। ये आप एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, कोई भी नया फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी फेब्रवरी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप अभी ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। रेगुलर से आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है CMP 02 ये फाइल करनी है। बट अगर आप कोई नए टैक्स पेयर हैं तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो अपॉइंटेड डेट है अपॉइंटेड डेट से आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो उसके पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसके लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ता है। इंटीमेशन कौन सा, स्टॉक इंटीमेशन। 1 अप्रैल से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएंगे, दैट मींस कि आपको कोई भी टैक्स अब कलेक्ट नहीं करना है। आपको जो भी सेल है अपने जेब से, एक जो स्मॉल परसेंटेज है कॉम्पोजिशन स्कीम में 1%, 5%, वो आपको खुद की जेब से देना है, आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो स्टॉक है आउटस्टैंडिंग, जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है जिस दिन से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं, उसका आपको इंटीमेशन देना है कि कितना अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड स्टॉक है आपके पास अपॉइंटेड डेट पे, एंड जो स्टॉक पे आप ITC ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं बट अभी तक सेल नहीं हुआ। अब वो सेल कब होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम के पीरियड में, जो कॉम्पोजिशन आप स्कीम में आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसमें वो स्टॉक सेल होगा, और ऑलरेडी आप उससे रिलेटेड अगर ITC ले चुके हैं तो वो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये है पूरा स्टॉक इंटीमेशन जो कि फाइल करना बहुत जरूरी है 30 डेज या एक्सटेंडेड पीरियड पे। अगर आप स्टॉक इंटीमेशन फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो ये कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी।
क्या ये मैंडेटरी है स्टॉक इंटीमेशन फाइल करना? यस, इट इज मैंडेटरी टू फाइल अ स्टॉक इंटीमेशन इन एडिशन टू फाइलिंग द एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. यू वुड ऑल्सो रिक्वायर टू फाइल अ स्टॉक इंटीमेशन टू फर्निश द डिटेल ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हेल्ड बाय यू ऑन द डेट प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच यू ऑप्ट टू पे कॉम्पोजिशन अमाउंट. तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो 1 अप्रैल 24 से आप कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत टैक्स पे करेंगे खुद से. तो उस दिन आपका कौन सा स्टॉक है आपके पास और उसमें से कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन है और कितना रजिस्टर्ड पर्सन है, ये पूरा आपको डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है. द एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी इज नॉट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय टैक्स अथॉरिटीज. ऑन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन यू आर मार्क्ड एज कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इन द सिस्टम एंड कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आर मेड इन द सिस्टम. हाउएवर इन केस इट इज फाउंड यू वर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी और हैव नॉट फाइल स्टॉक इंटीमेशन, यू वुड बी कंपल्सरीली पुश्ड आउट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी बाय इंटीमेटिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग. तो सबसे पहले तो ये कॉम्पोजिशन लेवी की एप्लीकेशन है वो टैक्स अथॉरिटी के अप्रूवल के बेसिस पे नहीं है. ऑटोमेटिकली आपकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि स्टॉक इंटीमेशन अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो ये रिजेक्ट भी हो जाएगी. सेकेंडली, अगर आप एलिजिबल ही नहीं है, जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कौन कौन इल एलिजिबल है कॉम्पोजिशन ऑप्ट करने के लिए, अगर आप उस पर फॉल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. स्टॉक इंटीमेशन फाइल्ड बाय यू इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग बाय स्टेट और सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी. हाउएवर इट इज इन केस फाउंड आउट बाय द टैक्स अथॉरिटी दैट द पर्टिकुलर ऑफ स्टॉक एंड ITC रिवर्सल फर्निश्ड बाय द स्टॉक इंटीमेशन आर इनकरेक्ट, द टैक्स अथॉरिटी कैन इनिशिएट अप्रोप्रिएट डिमांड प्रोसीडिंग फ्रॉम बैक ऑफिस अगेंस्ट यू. तो स्टॉक इंटीमेशन भी टैक्स अथॉरिटी के अप्रूवल में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी. बट इन केस कुछ पता चलता है टैक्स अथॉरिटी को कि आपने जो स्टॉक इंटीमेशन फाइल किया वो इनकरेक्ट है, आपने जो ITC रिवर्सल किया है, ITC रिवर्सल किस चीज में करना है, तो मैंने आपको जैसे समझाया कि जो स्टॉक आप बेचोगे कॉम्पोजिशन पीरियड में तो उस पीरियड में तो आप ITC ले ही नहीं सकते हो उस सेल में, बट आप ऑलरेडी वो ITC ले चुके हो. कब? जब आपने ये खरीदा था. तो इस वजह से जो आपने ITC जितना ले चुके हो उन स्टॉक पे जो आप बेचे नहीं हो रेगुलर टैक्स पीरियड वाले पीरियड में, और अब आप वो किस पे बेचोगे कॉम्पोजिशन पीरियड में, तो उतना आपको ITC रिवर्सल करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो. तो वो जो रिवर्सल है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से शो नहीं किया है तो इस बेसिस पे भी जो टैक्स अथॉरिटी है वो इनिशिएट कर जाएगी डिमांड प्रोसीडिंग के लिए. क्या ये एप्लीकेशन फॉर कॉम्पोजिशन लेवी सेव हो सकती है? बिल्कुल सेव हो सकती है. 15 डेज का टाइम पीरियड रहता है कि आप इसको आप आराम से फाइल कर पाओ. जिस दिन भी आपने इनिशिएट किया उसके 15 डेज के अंदर अंदर आप कभी भी इसको फाइल कर सकते हो. जो सेव्ड एप्लीकेशन है उसको आप फिर से ओपन कर सकते हो. क्या कहाँ पर जाके? माई सेव्ड एप्लीकेशन में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी. 15 डेज बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा. आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा. सेकेंड ये है कि कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी इफ आई हैव डेल्ट इन सर्विसेज. सर्विसेज के केस में भी कॉम्पोजिशन लेवी है तो जी हाँ, फाइनेंशियल 1920 ऑनवर्ड्स के बाद से सर्विसेज के केस में भी कॉम्पोजिशन स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हैं. आई हैव डेल्ट इन सर्विस फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 जुलाई 19 एंड हैव फाइल्ड एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. माई एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय. तो ये 1920 से रिलेटेड है. नेक्स्ट है, व्हाट आर दी रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर. तो क्वार्टरली बेसिस पे उनको टैक्स जमा करना रहता है कॉम्पोजिशन डीलर को GST CMP 08 द्वारा, और साल के खत्म होने के बाद GST GSTR 4 फाइल करना पड़ता है. ये एक रिटर्न है कॉम्पोजिशन डीलर्स को फाइल करना पड़ता है. तो ये हमारा था कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड FAQs. अब हम एक बार जल्दी से स्टॉक डिटेल से रिलेटेड भी देख लेते हैं. इंटीमेशन जो स्टॉक डिटेल की वो कैसे पता चलेगी? तो जब आप कॉम्पोजिशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके बाद ये इंटीमेशन ओपन होगा जो कि है फॉर्म CMP 03.
ये आपको रजिस्ट्रेशन के तहत ही मिलेगा। सर्विसेज में जो रजिस्ट्रेशन आता है वहां पर आपको ये इंटीमेशन ऑफ स्टॉक डिटेल्स फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसमें सारे आपके स्टॉक जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं, एंड रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में जो आपने ITC क्लेम कर लिया होता है, रिवर्सल आपको ये इंटीमेशन में बताना है। अगर आपने ये फाइल नहीं किया तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका कॉम्पोजिशन भी रिजेक्ट हो जाएगा और डिमांड प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ये कब होगा? जब आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है। टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी? जब आप कॉम्पोजिशन डीलर ऑप्ट करेंगे तो जो ITC आप रिवर्सल करेंगे वो आपको पे करना है, तो दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है तो इंटीमेशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड अब विदाउट ड्यू पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट व्हेन टैक्स लाइबिलिटी इज निल। तो इंटीमेशन आपका आराम से फाइल हो जाएगा अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये इंटीमेशन फाइल कर पाओगे। अब फटाफट से हम GST साइट पे आ जाते हैं। आपको सबसे पहले लॉग इन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आपको एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी एंड एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन लेवी, ये दोनों एप्लीकेशन मिलेगी। तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं और आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और आपको ऑप्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी में आप जाएंगे। जैसे आपने क्लिक करा तो आपको ना एक लिस्ट मिल जाएगी गुड्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नोटिफाई करे हैं गुड्स, अगर आप उनके मैन्युफैक्चर हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते। वो लिस्ट ये है: आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्सटीट्यूट, एरिडेटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मील, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, इनसे रिलेटेड अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। बट अदर देन दीज गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन लेवी। सेकेंड, अगर आप होटल और रेस्टोरेंट है तो भी आप कर सकते हैं, और कोई एनी अदर सप्लायर है जो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करने के लिए तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर अदर देन दी गुड्स डिस्क्राइब अबव। सेकेंड है, अगर आप होटल रेस्टोरेंट है तो आपको सेकेंड वाला बॉक्स टिक करना है। अगर इन दोनों के अलावा आप दूसरे कोई सप्लायर हैं तो आप थर्ड बॉक्स टिक करेंगे। देन आपको डिक्लेरेशन देना है और कि आप वो कंडीशंस जो भी सेक्शन 10 में बताई गई हैं वो कंप्लाई करेंगे। वो कंडीशन ये है कि आपको अपनी शॉप में कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन वाला जो बोर्ड है वो लगाना पड़ेगा, जैसे कि जो कस्टमर्स आए आप पता चल जाए उनको कि आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो आप उनसे कलेक्ट ना करें GST। इंस्टेड जो भी सेल है अपनी से अपनी जेब से आपको सरकार को एक छोटा सा अमाउंट GST का वो पे करना है। वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, बट आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड, आपके बिल में भी ये मेंशन होना चाहिए दैट यू आर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो ये जो कंडीशंस है ये आप कंप्लाई करेंगे, इस पे आप टिक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट DSC से भी हो सकता है, EBC से भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन डीलर एंड स्टॉक इंटीमेशन। याद रखें कि अगर आप स्टॉक आपके पास है तो आपको फाइल करना जरूरी है और टैक्स पे भी करना है। टैक्स पहले पे होगा, उसके बाद ही इंटीमेशन ऑफ स्टॉक फाइल होगा। अब ये हमें इंटीमेशन कैसे मिलेगा? तो इंटीमेशन के लिए अगेन आपको सर्विसेज पे जाना है और रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब आप ये कॉम्पोजिशन लेवी फाइल करेंगे तो उसके बाद यहीं पर आपको इंटीमेशन फॉर स्टॉक डिटेल्स फॉर्म CMP 03 मिल जाएगा। फिर उस पर आप क्लिक करके आराम से फाइल कर लें। फाइल करना जरूरी है ये याद रखें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।